ख्रिस्त में भाइयों बहनों सबों को जय जीसु। आज का दिन हमारे लिए खुशी और उल्लास मनाने का दिन है। आज का दिन हमारे लिए नाचने ढेकने का दिन है, क्योंकि आज प्रभु का दिन है और आज ये शुभ दिन प्रभु यीशु अपने प्रीति भोज में सम्मिलित होने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं। लेकिन आइए हम सबसे पहले जानें ये प्रीति भोज क्या है। ये प्रीति भोज स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है। प्रभु यीशु स्वयं संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 41 में कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। हाँ भाई और बहनों, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी प्रभु यीशु है, अर्थात प्रीति भोज स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है। फिर आइए हम जाने ये प्रीति भोज क्या है। ये प्रीति भोज प्रभु यीशु का शरीर और रक्त है। हम संत मत्ती के अनुसार पवित्र समाचार अध्याय 26 पद संख्या 26 में देखते हैं, जहां प्रभु यीशु स्वयं अपने हाथों में रोटी और प्याला लेकर कहते हैं, यह मेरा शरीर और रक्त है। हाँ भाई और बहनों, प्रीति भोज प्रभु यीशु का शरीर और रक्त है। प्रीति भोज स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है। प्रभु यीशु स्वयं संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 54 में कहते हैं, जो मेरा शरीर और रक्त को खाते पीते हैं उन्हें अनंत जीवन प्राप्त होती है। हाँ भाई और बहनों, जो प्रभु यीशु का शरीर और रक्त को खाता पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है। वह मर के भी जीवित रहता है, वह मृत्यु का अनुभव कभी नहीं करता है। ये सच है। जो प्रत्येक दिन कंदमूल खाते पीते हैं, जो प्रत्येक दिन फल फूल खाते पीते हैं, वे जीवन में सदा फल फूल के समान खिलते फूलते हैं। ये भी सच है, जो रोज गाय बैल का मांस खाते हैं, वे जीवन में गाय बैल की भांति वे ताकतवर और बलवान होते हैं। और ये भी सच है, जो प्रभु यीशु का शरीर को रोज खाता है, जो रोज प्रभु यीशु का रक्त को रोज पीता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है। हाँ भाई और बहनों, अगर रोज अगर हम प्रभु यीशु का शरीर और रक्त को खाएंगे पिएंगे, तो हम भी प्रभु यीशु के समान दयालु और प्रेमी इंसान बनेंगे। आज प्रभु यीशु तीनों पाठों की मध्यस्थता से हमें अपने प्रीति भोज में सम्मिलित होने के लिए आह्वान करते हैं। आज का प्रथम पाठ इसाया का ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 6 से 10 में हम देखते हैं, विश्व मंडल के ईश्वर एक प्रीति भोज का आयोजन एक पर्वत पर किया है और इस प्रीति भोज का मांस रसदार है और इस प्रीति भोज का अंगूरी एकदम बढ़िया है। जो इस प्रीति भोज का मांस को खाते हैं, जो इस प्रीति भोज का अंगूरी को पीते हैं, उन्हें अनंत जीवन प्राप्त होती है। भाइयों बहनों, और इस प्रीति भोज का रक्त और मांस स्वयं प्रभु यीशु है। अगर हम इस प्रीति भोज का रसदार मांस और बढ़िया अंगूरी को खाएंगे पिएंगे, तो हमें भी निश्चित अनंत जीवन प्राप्त होगा। आज का द्वितीय पाठ फिलिप्पियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 से 14 और 19-20 में संत पौलुस हम लोगों को बताते हैं कि हमें दरिद्रता और संपन्नता का परिचय है, हमें अनुभव है, हमारे जीवन में भूख प्यास और उतार चढ़ाव का अनुभव है। लेकिन अगर हम जीवन में प्रीति भोज में सम्मिलित होके प्रभु यीशु का शरीर और रक्त को खाएंगे पिएंगे, तो हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। हाँ भाई और बहनों, आज संत पौलुस हम सबों को कह रहे हैं, अगर हम प्रत्येक दिन प्रीति भोज में सम्मिलित होकर यीशु का शरीर और रक्त को खाएंगे पिएंगे, तो हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। इसलिए प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं संत मत्ती के अनुसार पवित्र समाचार अध्याय 6 पद संख्या 33, सबसे पहले तुम ईश्वर की राज और ईश्वर की धार्मिकता की खोज करो और तुम्हें जीवन में
अपने आप सब कुछ प्राप्त हो जाएंगे। हाँ भाई और बहनो, अगर हम जीवन में ईश्वर की राज और ईश्वर की धार्मिकता की खोज करेंगे तो अपने आप हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएंगे। और आज के पवित्र समाचार संत मत्ती के अनुसार पवित्र समाचार अध्याय 22 पद संख्याएं 1 से 14 में हम देखते हैं एक राजा का दृष्टांत, जहां राजा अपने पुत्र के शादी में एक विवाह भोज का आयोजन करता है और अपने सेवकों को न्योता दिए गए मेहमानों को बुलाने के लिए भेजता है। लेकिन न्योता पाए मेहमान सेवकों के बातों को अनसुनी करते हैं और वे आने से अनाकनी करते हैं। कोई अपना खेत चला जाता है तो कोई अपना ऑफिस, तो कोई अपने काम धंधे में। इतना ही नहीं, कोई कोई मेहमान सेवकों का अपमान करते हैं, सेवकों से मारपीट करते हैं, सेवकों का दुर्व्यवहार करते हैं। यह जानकर राजा उन मेहमानों का सत्यानाश करता है। फिर राजा सेवकों से कहते हैं, गांव घर जाओ, गली कोचा जाओ और अंधे लूले लंगड़े बाहरे सबों को लेकर आओ और शादी मंडप को भर दो। इस पर सेवक गली कोचा जाकर, गांव घर जाकर वे लंगड़े लूले बाहरे अंधे सबों को लेकर आए और शादी मंडप को भर दिए। जब शादी मंडप मेहमानों से भर गया तो राजा मेहमानों को देखने आया। उसी दौरान उसकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ा जो शादी मंडप पर बिना शादी वस्त्र पहने था। इस पर राजा ने उस व्यक्ति से बोला, हेलो मेरे भाई, तुम इस शादी मंडप में कैसे बिना वस्त्र पहने? इस पर वह व्यक्ति मौन और चुपचाप रहा। इस पर राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांध डालो और इसे अंधेरे में फेंक दो, जहां ये रोएगा और अपना दांत पीसते रहेगा। इस दृष्टांत में राजा स्वर्गीय पिता परमेश्वर है और उसका पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त है। और इस दृष्टांत में जो शादी महाभोज दिया जा रहा है, वह महाभोज प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर और रक्त है। इस दृष्टांत में सेवक स्वर्गदूत फादर्स सिस्टर्स है और इस दृष्टांत में न्योता पाए मेहमान 2 दिन के ईसाई हैं, जो क्रिसमस और पास्का पर्व में गिरजा आते हैं और प्रीति भोज में भाग लेकर प्रभु यीशु का शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं। इस दृष्टांत में जो व्यक्ति बिना शादी वस्त्र पहने था, वह व्यक्ति ढोंगी फरीसी ईसाई है जो प्रतिदिन चर्च आता है, प्रतिदिन यीशु ख्रीस्त का शरीर और रक्त को खाता पीता है, लेकिन बिना तैयारी के साथ प्रभु यीशु का शरीर और रक्त को ग्रहण करता है। इस दृष्टांत में अंधेरा नरक है, जहां उस ढोंगी व्यक्ति को फेंका जाता है। हाँ भाई और बहनो, इस दृष्टांत में हमें यह बताया जाता है कि अगर हम भी 2 दिन के ईसाई रहेंगे तो इससे कुछ लाभ नहीं। अगर हम भी अगर उस ढोंगी फारिसी के समान ईसाई बने रहेंगे तो हमें भी एक दिन हमें अंधेरे में फेंका जाएगा और हम वहां रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तो आइए इस शुभ दिन हम प्रभु यीशु के प्रीति भोज में भाग होकर हम प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर और रक्त को ग्रहण करें और अनंत जीवन प्राप्त करें। आइए हम इस प्रीति भोज में सम्मिलित होकर स्वर्ग से उतरी हुई रोटी को ग्रहण करें और अनंत जीवन प्राप्त करें। आमीन।